මං ඔයාට විතරයි ආදරේ අනේ අදට විතරක් මේක විතරමයි ඔන්න ඉතින් යාළුවනේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ආදරය කරනකොට ඒ වගේම කතා බහ කරනකොට මේ වගේ දේවල් කියන්න ඕනේ වෙනවනේ ඔන්න එහෙනම් අද දවසේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ මේ කියපු දේවල් කොහොමද හින්දි භාෂාවෙන් කියන්නේ කියන එකයි ඔන්න එහෙනම් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ගැන විතරමයි हमारे हिंदी शब्द में आप सभी का स्वागत करते हो क्या लोने मामा शशि अपे हिंदी शब्द के अब सेर दिनाम इतना मादरे इन पहले गाने वा और इतने आदत दबे से दिया अपे खाता बाहर करने बाला पर तेरी में बिता रही एक उन्हें तंग फामा नहीं किया ना आधा हस दी मसाल हा हिंदी भाषा में भाविता करने पुलों वचन मनवाद ए वाके में ए वा भाविता कर ला मनोहारी वाचक गुड़ लगा गाने काम दिखेने का इस तरह वेलाम अपे बाला मुख खाता बाहर करने को में संधा भाविता करने पुलों ඉතමත් සරලම වචනේ මොකක්ද කියන එක. ඒ තමයි සර්. සර්. මේ වචනේ තේරුම විතරයි. එහෙම නැත්නම් පමණයි කියන එකයි. ඔන්න ඉතින් කුංචි උදාහරණ කිහිපයක් බලමුකෝ. හිතන්නකෝ අපි ආදරය කරන දවස්වලදී එක පාරටම පිළිගන්න කැමති නැහැනේ තමන්ගේ පෙම්වතා හෝ පෙම්වතිය සමඟ තියෙන සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා. ඉතින් එහෙම වුණු ගමන් අපි එක පාරටම කියන්නේ මුකුත් නැහැ. අපි මේ නිකන් යාළුවෝ විතරයි. මේ වගේ දේවල් නේ කියන්නේ. अरे ऐ है ना इतने अपने मेक हिंदी भाषा में क्या लगा लोगों को हम सिर्फ दोस्त हैं हम सिर्फ दोस्त हैं ऐ क्या ने अपने यालो वितराई सिर्फ मैं वचने तेर में तमाई हम नहीं ऐ है ना तम वितराई क्या ने का ऐ तो कटे में दोस्त की न वचने अपने क्या ने यालो ऐ है ना तम मित्र क्या ने का ऐ तो बड़े है ना तंग ऊपर पहले रहते हम सिर्फ दोस्त हैं ऐ क्या ने අපි යාළුවෝ විතරයි මේ ළඟට ඒ තමයි वो सिर्फ मेरी है वो सिर्फ मेरी है කියන්නේ එයා මගේ විතරයි वो सिर्फ मेरी है ඉතින් හිතන්නකෝ දැන් මම මේ ගෑනු ළමෙක් නිසානේ वो सिर्फ मेरी है කියන්නේ අද මම පිරිමි ළමෙක් වුණා නම් එතකොට මට කියන්න ඕන වෙන්නේ ඇය මගේ විතරයි කියලානේ එහෙනම් ඉතින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ වාක්‍යෙ මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඒ තමයි वो सिर्फ मेरा है. वो सिर्फ मेरा है. කියන්නේ ඇය මගේ විතරයි. ඔන්න තවත් සරල උදාහරණයක්. ඒ තමයි මම सिर्फ රොටි කාතේ හු. මම सिर्फ රොටි කාතේ හු. ඒ කියන්නේ මම කන්නේ රොටි විතරයි. මම सिर्फ रोटी खाते हो और नहीं तो आप इतने समाहर वेला वाले किया ना वने 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 मट्ट मेटी का वितरक किया ने हाँ ऐहे ना आप इतने कहोगे तो एक किया ने मुझे सिर्फ इतना बता दो मुझे सिर्फ इतना बता दो मट्ट मेटी का वितरक किया ने मुझे सिर्फ इतना बता दो मैं वागे बटर गाने कोटे आप इतने किया ना वने वने थावा देखती नो අනේ අදට විතරක් අදට විතරක් හරි එහෙනම් ඉතින් ඔන්න අදින් පස්සේ මේක හින්දි භාෂාවෙන් කියන්න. ඒ මෙන්න මෙහෙමයි. Sirf aaj ke liye. Sirf aaj ke liye. අදට විතරක්. Sirf aaj ke liye. මේ හැම වාක්‍යයක්ම ඉතාම සරලයි වෙන නිසා අපි පොඩ්ඩක් විතර සංකීර්ණ වාක්‍ය දිහා බලමුකෝ. Mujhe sirf dekhna hai. Khareedna nahi. Mujhe सिर्फ देखना है खरीदना नहीं मुकदमा में क्या ने मामा खाने का टक हिला मुदलाल टे मैंने मेहम किया मुझे सिर्फ देखना है मटे बालान्ने वितराई होने खरीदना नहीं मिलती गन्ने नेवे मटे बालान्ने वितराई होने मेवलावे साले बोले टे गन्ने नेवे किया ने कहे उन्हें मामे किया ने मुझे सिर्फ देखना है खरीदना नहीं मैं लंगो दाहरने ए तमाई वो सिर्फ कहता रहता है करता कुछ नहीं वो सिर्फ कहता रहता है करता कुछ नहीं एक याने या में निकाम निकांग खता कर कर एहुन तंग किया किया इन्ने अवित्राय करना देखना ऐसे नया किया निकाय मम्मी किया न चाह करने वो
सिर्फ कहता रहता है यानी या निकम निकम किएव किएव इन्नव वितरय यानी में खटिंग नाम मतलब हितवनवा ए नाट करने देयक ने लेकिन करता कुछ नहीं एक करने किसी में देयक ने है सिर्फ एक यानी वितरय कहने का है और नहीं ना यालों ने में सिर्फ के न वचने वागे में वितराई एक मरतं कामनाई के नार्थे दिन संधा आप इटे तावत एक वचन एक भाविता करने पुलवान ये तमाई केवल केवल में ही नार्थे वितराई एक मरतं कामनाई के निकाय एक इन आप इन वचने गुड़ा फिलाड़ भाविता करने लिए न किए वालों कोड़े तमाई ये वाट पुंचो उदाहरण को तंग बालम को अध्यापिका केवल संगीत पढ़ाते हैं अध्यापिका केवल संगीत पढ़ाते हैं ये क्या ने गुरु तुम्हें संगीत वितराई उगाना ने तो कुछ में अध्यापिका के नवचने आरते वे ने गुरु तुम्हें क्या ने कहे केवल संगीत पढ़ाते हैं संगीत वितराई उगाना ने ඉතින් ඔන්න ඔයා කැමති නම් මෙතනදි මේ කේවල් කියන වචනේ අයින් කරලා අපි අර කලින් කියපු සිල් කියන වචනේ උනත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මෙන්න මෙහෙම කියමුකෝ. අධ්‍යාපිකා සිල් සංගීත පඩහාති හැ. ඒ වගේම අධ්‍යාපිකා කේවල් සංගීත පඩහාති හැ කියලා කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් තවත් උදාහරණයක්. ඒ තමයි රාෂ්ට්‍රපති කේවල් එක් කටපුත්ලි හැ. රාෂ්ට්‍රපති केवल एक कठपुतले हैं उन्होंने देख अलग एक वचन देखा कपड़े में तेरे दाने गाने तीन वाला एक राष्ट्रपति ये वचन है तेरे में तमाई जनाधिपति के ने कर आधान ईलंग वचन है ये तमाई कठपुतले कठपुतले क्या ने रूप है डे के ने का इतने को देखना मैं वाक्य अर्थे में ने जनाधिपति तुम्हां एक रूप है डे राष्ट्रपति केवल एक कठपुतले हैं गमन करनु लबे गाड़ी एक अन्य रथ वाहन एक ये निकाय इतने में गाड़ी के वचने ओने में वाहन एक संधा अपने भाविता करने पड़ोगा ये गाड़ी केवल विश्वविद्यालय तक ही जाएगी और निहरण यालों ने आधे इन पास से वितरमाई इन्होंने तंग पामना एक ये न आधा से दिन न आवश्य उन्हें ओने में वेला वक्ते केवल इन्होंने तंग दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके साथ साथ जो बेल आइकन है वहाँ पे भी क्लिक कर दीजिएगा और अगर आप लोग हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं और उसके साथ साथ हम ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय।